नमस्कार। सो पंजाब काउंसलिंग फुल फ्लो में चल रही है अभी, और भी 6 दिन बाकी है सॉरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। और कुछ कॉमन क्वेरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रही है मेरे लास्ट वीडियो पे, तो वंस अगेन जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो कॉमन चीजें हैं मैं वीडियो में बता दूंगा। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको हमारी पेड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेनी चाहिए। तो बहुत ब्रॉडली आपने एक एफिडेविट देखा होगा, और इसी एफिडेविट में नोट कीजिए कि ये जो एफिडेविट है ये लास्ट ईयर के एफिडेविट से डिफरेंट है। तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो लास्ट ईयर भी अप्लाई करा होगा और उनके पास वो एफिडेविट की कॉपी पड़ी हुई घर में और उसी को अपलोड कर दिया, तो इनको स्पेशली एक नोटिफिकेशन लगानी पड़ी है अगर आप होम पेज पे जाएंगे कि प्लीज यूज दिस एफिडेविट, जो कि वैसे भी आ रहा था। तो ये अपील उनके लिए जो लास्ट ईयर वाला एफिडेविट यूज करने की कोशिश कर रहे थे कि इस साल नया बनवाना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर वन। नंबर टू, देखिए एफिडेविट ये अपलोड करना कंपलसरी है, आप इससे बिना नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकते। तो कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर जो हम ये सीएम से लुधियाना की ऑल इंडिया कोटा सीट लेना चाहते हैं, जो कि गिन के 4 होती हैं। तो देखिए ये सब लोग सरकारी लोग हैं, मैं फिर से सीधा बोलता हूँ, तो इस एफिडेविट की वैल्यू है भी और नहीं भी। तो आप बिंदास एफिडेविट बनवा के अपलोड कर लीजिए। जब आप काउंसलिंग के दौरान, वैसे भी चूंकि आपका जो बोना फाइड रेजिडेंट है वो नो आ जाएगा, तो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन भर पाएंगे, सीएम से लुधियाना ऑल इंडिया कोटा। अगर आप पंजाब से, पंजाब रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके लिए एलिजिबल नहीं है, जिसकी 10-12 कंडीशंस है जो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। सो घबराइए मत, आप इस एफिडेविट को भी डाल सकते हैं अगर आपको सीएम से लुधियाना की 4 ऑल इंडिया कोटा की सीटें चाहिए, राइट। तो ये दूसरा काम हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं फीस 3.5 लाख और 9.5 लाख रुपए ही है। और लोग क्या पूछ रहे हैं, हाँ लास्ट ईयर ना कहते थे कि राउंड 2 में एमबीबीएस के लिए ओपन हो जाएगा आउटसाइड पंजाब। देखिए वो ओपन हो भी जाता है ना, किसी को कुछ मिलता तो है नहीं, क्योंकि हमेशा नोट कीजिए चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो गुजरात हो, जो भी बोलते हैं ना कि वी आर ओपन फ्रॉम राउंड 2 फॉर आउटसाइड स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग राजस्थान, तो उसमें क्लॉज होता है। उस क्लॉज को अच्छी तरह समझिए कि पहले मैं अपने स्टेट के एक बच्चे को सीट दूंगा, बच जाएगी तो आपको दे दूंगा, विच मीन्स पंजाब डोमिसाइल के 300 नंबर भी हैं और आपके 550 नंबर है, तो भी जो पहले सीट है वो 300 नंबर वाले को मिली है, वो पंजाब से बिलोंग करता है। सो ये जो चीज है ना ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस बार उन्होंने वो उनको पता है पंजाब ने अकल दिखा दी और आपको पहले कह दिया कि आप अप्लाई करने की मेहनत मत करो, क्योंकि वैसे भी चांस नहीं होता। तो उन्होंने लिख ही दिया कि सर बीडीएस के ओपन राउंड 2 में कंसिडर कर लेंगे। और मैं बार बार कहता ही हूँ, मेरे काफी वीडियोज है कि बीडीएस में तो देखिए ओपन एडमिशन है, और मैं खुल के बोलता हूँ पंजाब में 3 डेंटल कॉलेज हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि सर आपके पास कोई बच्चे हैं रेफरेंस है तो दीजिए, हम आपको उल्टी कमीशन देंगे। सो दैट इज द स्टेटस ऑफ बीडीएस, वी ऑल नो। मैं कई बार अपने वीडियोस में बहुत मुखरता से बोल चुका हूँ कि बीडीएस करना और बीए करना मोटा मोटी सेम बात है, अनलेस अंटिल यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक प्लान, राइट। सॉरी। इसके अलावा तो ये क्लियर हो गया, तो एफिडेविट आप बनवा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पंजाब रेजिडेंस सर्टिफिकेट मैं कई बार कह चुका हूँ कि बहुत लॉटरी वाली बात है और सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि उसके 10-12 पैरामीटर है, और उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि अगर आपके पास 5 साल से पुरानी प्रॉपर्टी है, विच मीन्स आप आउट एंड आउट दिल्ली में रहते हैं पिछले 20 साल से, लेकिन आपके बच्चे के नाम पे या बच्चे की मम्मी या पापा के नाम पे आपने 2010 में मोहाली में जीरेपुर में फ्लैट लेके डाल लिया, जो कि बड़ी कॉमन चल रही थी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, और वो फ्लैट को 5 साल से ज्यादा हो गए, तो आपको भी ये पंजाब का कोटा मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। ये क्विकली हो गया, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि पंजाब कोटा कैसे कैसे मिलता है। और लास्ट, हमेशा कंफ्यूजन रहती है आदेश को लेके। तो देखिए आदेश वैसे यूनिवर्सिटी है, लेकिन वैसे उसके एडमिशन मतलब फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव वो एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज गिना जाता है। 150 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिसमें उनके पास भी 27-23 सीटें एनआरआई में है, और पंजाब एनआरआई के लिए ओपन स्टेट है। ऑफकोर्स फर्स्ट चॉइस फिर से उन्हीं बच्चों को जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन्हें कैटेगरी 1 बोलते हैं, वो अगर पूरे नहीं आते तो बाहर वाले को भी देते हैं। और हमें जानते हैं कि एनआरआई की सीटें पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है, आदेश में भी है, जहां पर वो 1 टाइम में $1,25,000 फीस ले रहा है, $1,25,000 और जीएमसीज है जिसमें $1,10,000 की 1 टाइम पेमेंट है अगर आपको सरकारी वाली सीट चाहिए। तो
इसके अलावा आदेश ने अपना फीस स्ट्रक्चर लॉन्च कर दिया है 2021 का, और उसके हिसाब से जो पहले साल की फीस है वो 12 लाख रुपए है, फिर 13, 14.5, 15, अगर मैं मोटा मोटी सारा जोड़ू सो 63 लाख के करीब फीस, प्लस 30,000 रुपए, 66 लाख रुपए फीस, और हॉस्टल वगैरह मिला के जो कि इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है 2 लाख रुपए पर ईयर है, तो आप मान के चलिए कुछ आपका 80 लाख रुपए खर्च होगा आदेश में अगर आप MBBS करते हैं नॉर्मल सीट में। और जो आदेश की NRI सीटें हैं सेम लॉजिक है, कैटेगरी 1 पंजाब बिलोंग, कैटेगरी 2 नॉन पंजाब बिलोंग, और जब बच जाती है तो मॉपअप स्टे मॉपअप ग्राउंड में वो कन्वर्ट हो जाती है पंजाब की मैनेजमेंट सीट के लिए, तो पंजाब के डोमिसाइल के बच्चों को वो थोड़े कम मार्क्स में मिल सकती है। और वैसे भी 80 लाख का देखिए पैकेज है विज़ाविज जो बाकी कॉलेज है पंजाब के, जहां पर आपको पता है 3,60,000 और 9.5 लाख रुपए फीस होती है, तो बहुत फर्क है। और उस फर्क की वजह से अगर आप आदेश को सोच रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि पंजाब के बाहर भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 80 लाख में तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे ना। सो आदेश बठिंडा के लिए 80 लाख रुपए देना, आपको हरियाणा में फीस 10 लाख रुपए साल है, यूपी में कई कॉलेज है 12 लाख रुपए फीस है, और वहां पर इंक्रीमेंट भी नहीं होता है, तो अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे, हरियाणा में भी होता है 7.5% का, लेकिन ये तो ज्यादा ही कर रहे हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप आदेश देख रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन आदेश की सीटें भी सिर्फ पंजाब वालों के लिए है, NRI की सीटें लास्ट में कन्वर्ट होगी मैनेजमेंट में, और मेरा ये मानना है कि इस फीस पे आदेश में हमें कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल सकता है, 400-450 रुपए भी बड़ी बात नहीं है अगर हम इतनी फी पे करना के लिए ओपन अप है तो, और शायद उससे भी कम गिर जाए सीट, क्योंकि 80 लाख तो बहुत हो गया ना, फिर तो आपके लिए पूरा हिंदुस्तान है, अगर आप ये फीस देने को तैयार है तो पूरी यूपी की फीस, पूरा हरियाणा की फीस, LGT के अलावा आप एलिजिबल है, मतलब उसी रेंज में आ रहे हैं, तो फिर तो यू कैन हैव अ इन्फॉर्म चॉइस। पंजाब के लोग पंजाब के लिए क्रेजी इसलिए कि वो जो सब्सिडाइज सीटें हैं 3.5 लाख और 9.5 लाख रुपए फीस वाली, राइट। तो ये सारे डाउट क्लियर हो गए, एफिडेविट का मैंने बता दिया, बिंदास अप्लाई कर दीजिए CMC के लिए बाहर, जब आपकी अपनी स्टेट की काउंसलिंग होगी आप दोबारा ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी, ये बिकॉज ऑफ द आइडली तो ये होना चाहिए था कि जो लोग सिर्फ CMC के लिए अप्लाई कर रहे हैं इनको अपना फिल्टर लगाना चाहिए था फॉर्म में कि ठीक है भाई आप पंजाब के बाहर के हो, सिर्फ CMC ऑल इंडिया कोटा की सीट ले रहे हो तो आपको नहीं, क्योंकि NRI का तो प्रोसीजर ही डिफरेंट है, NRI वाला तो बच्चा बाहर से आ रहा है, लेकिन भाई सरकारी लोग हैं तो बस एक ही फॉर्म मुश्किल से उन्होंने कोडिंग कर पाए होंगे और उसमें अपलोड करा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। बट इस एफिडेविट में मैं एक मिनट और बता दूं, जो मेरे और बहुत सारे वीडियोज होते हैं, वैसे इंडिया में डबल डोमिसाइल का ट्रिपल डोमिसाइल भी अलाउड है, तो मेरे पास बिल्कुल एक क्लासिक केस है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं पंजाब में ही रहते हैं, और लड़की ने 11th 12th दिल्ली से करी, और वो जब टेक्निकली वो एलिजिबल तीनों के लिए, तो थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं क्योंकि पंजाब मना करता है, तो लेट्स से मैं इंसान को जानता हूँ जो बिहार से फंडामेंटली बिलोंग करता है, पिछले 8-10 साल से हरियाणा में रह रहे हैं और 11th 12th दिल्ली से करी, तो इस तीन फैक्टर की वजह से उनके पास बिहार डोमिसाइल भी है, हरियाणा डोमिसाइल भी, डोमिसाइल से मतलब भाई MBBS सीट के लिए, और दिल्ली में भी, तो आप तीनों जगह अप्लाई कर सकते हो। इसी को रोकने के लिए सिर्फ पंजाब पूरे इंडिया में एकमात्र स्टेट है जो ये एफिडेविट भरवाता है, अगर आप पंजाब का स्टेट कोटा इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि पंजाब के अंदर फॉल कर रहे हो तो आप किसी और का नहीं करोगे, तो विच में ऐसे जो केस होंगे ऐसे बहुत होते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो पंजाब में थे लेकिन वो दिल्ली से 11th 12th कर लेते हैं डमी स्कूल के चक्कर में, हम सभी जानते हैं जो LL आकाश में पढ़ते हैं, तो उनके पास डबल एलिजिबिलिटी हो जाती है, तो उनको रोकने के लिए पंजाब ये कहता है। तो अल्टीमेटली कई बार ये भी आता है फोन सर 630 नंबर है मेरे पास, दिल्ली भी है पंजाब भी है, मैं क्या करूं, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि आप पंजाब छोड़ सकते हो, दिल्ली का वेट कर लो, बट 605 नंबर है तो पंजाब में ले लो, दिल्ली में आपका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आई होप कि ये सारे आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे आपके फंडामेंटली, और फिर भी कुछ बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।